नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चार्टर्ड लॉजिस्टिक लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में अभी हाल ही में तेजी आपको देखने को मिला था, उसके बाद कंपनी में अगेन लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या इस कंपनी में अब काफ़ी भारी गिरावट फिर से आपको देखने को मिलेगा? इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या था, क्यों यह कंपनी फिर से गिरना स्टार्ट कर रहा है, सब कुछ बात करेंगे। जो भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है सब कुछ को कवर करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहे, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं इस कंपनी के इंपॉर्टेंट्स। दोस्तों आप देखेंगे इस कंपनी ने यहाँ पर गिरावट स्टार्ट किया यानी 23.60 रुपये पे, और वहाँ से यह कंपनी गिरते हुए डायरेक्टली जाकर 9 रुपये के पास जाकर रुकता है। और 9 रुपये के पास रुकने के बाद यह कंपनी अगेन बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आप देखेंगे आज इस कंपनी में फिर से आपको गिरावट देखने को मिला था। हालांकि इस कंपनी के अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 13.75 रुपये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था इस कंपनी के लिए रेजिस्टेंस का, लेकिन कंपनी उससे पहले ही यू टर्न ले चुका है। फिर इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? दोस्तों जो लोग इस कंपनी को ऊपर प्राइस पे बाई कर रखे थे वो लोग इस कंपनी को होल्ड करते करते एकदम से परेशान हो चुके थे, इसीलिए जैसे ही उन्हें मौका मिला इस कंपनी में निकलने का वो लोग इस कंपनी को बेच के निकलना सही समझे। तो इस कंपनी में थोड़ी सी पैनिक सेलिंग भी आपको देखने को मिलेगा। यह कंपनी अगेन 9 रुपये के पास अगर सपोर्ट लेता है तो 12 रुपये का टारगेट टच करेगा, उसके बाद 13 से 14 रुपये का लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस बार कंपनी 9 रुपये के भी नीचे जाता है तो फिर आपको 7.5 रुपये से लेकर 8 रुपये के आसपास का सपोर्ट लेवल अगेन आपको बनता हुआ दिखेगा। ये लेवल्स आपको लॉन्ग टर्म के में भी देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म भी सेम लेवल को सपोर्ट कर रहा है और शॉर्ट टर्म भी सेम लेवल को सपोर्ट कर रहा है। तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि यह कंपनी इस लेवल पर जाकर रुकेगा और अगेन बाउंस बैक करेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.